हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, जो कि दी थी वाइगोट्स्की ने। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक होने वाला है एमएड की साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से। बाकी ये टॉपिक सीटेट में भी आता है, बीएड में भी है, डीएलएड में भी है, तो अगर आपके कोर्स में ये टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन लाइक इट। चलो, तो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की बात किसने कही थी? ये बात कही थी लेव वाइगोट्स्की ने। इनका जन्म हुआ था 1896 में, इनकी डेथ हुई थी 1934 में, और ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये क्या देखती थी कि जो भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो भी हमारा संज्ञानात्मक विकास है, या किसी भी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस होता है सोशल इंटरेक्शन से, या जो भी हमारा एनवायरनमेंट है। हमारा एनवायरनमेंट मदद करता है हमको कॉग्निटिव डेवलप होने के लिए, जो भी हायर ऑर्डर स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए। तो वाइगोट्स्की ने सोशल इंटरेक्शन की बात करी थी, या सोशल इन्फ्लुएंस, या इन्होंने कहा था कि लर्निंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके बारे में अभी हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये 37 ईयर के थे, 37 साल के थे जब ये एक्सपायर हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी, और स्टालिन का उस टाइम राज बहुत था, तो इनका काम उतना ज़्यादा उभर नहीं पाया, या आप यूँ कह सकते हो कि सप्रेस हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने इनके काम को साइट करना स्टार्ट किया, इनकी रिसर्च के बारे में बात करना स्टार्ट किया, तो इनकी रिसर्च के बारे में, इनके व्यूज के बारे में लोगों को, या जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उनको आइडिया लगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी रिसर्च इमर्ज हुई, या इनका एरिया जो भी सोशल इंटरेक्शन का था वो ज़्यादा नज़र में आया, सोसाइटी में आया। ये प्याजे के व्यू से कैसे अपने आप को डिफर करते थे, या इनका व्यू क्या था? तो ये क्या कहते थे कि जो भी इंडिविजुअल पोटेंशियल हैं बच्चों के या इंडिविजुअल के, वो और ज़्यादा ग्रो करते हैं, और ज़्यादा बढ़ते हैं सोशल इंटरेक्शन की मदद से, या हमारी सोसाइटी से, या हमारे एनवायरनमेंट के जरिए। ठीक है, मतलब हमारे अंदर कुछ पोटेंशियल हैं जो कि स्टक रहते हैं, प्रतिबंधित रहते हैं, इनिबिशन रहता है उस पर, लेकिन उनको हम और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम किसका है? एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट में कौन है? हमारे पीयर ग्रुप, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स। ठीक है, तो सिंपली सोशो कल्चरल डेवलपमेंट क्या है कि किस तरह से हमारी नॉलेज एक्सटेंड होती है, एनहेंस्ड होती है सोशल इंटरेक्शन के जरिए, सोसाइटी के वर्क के जरिए, क्योंकि सोसाइटी काम करती है एक स्कैफोल्डिंग की तरह, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, और हमें अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, या नॉलेज का निर्माण करने में हमारी सोसाइटी ही हेल्प करती है। सोशो कल्चरल डेवलपमेंट यही है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप ये सब लिख सकते हो। और क्या है सोशो कल्चरल डेवलपमेंट? तो इसमें सिंपली डिफाइन किया गया है कि जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो भी संज्ञानात्मक विकास है, वो इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के जरिए, और कल्चर के जरिए, मतलब समाज और संस्कृति के जरिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। आपको जैसे भी डिफाइन करना है आप कर सकते हो। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी क्या है ना, आजकल इमर्जिंग फील्ड है स्टडी का। इसमें क्या पढ़ा जाता है? कल्चर के बारे में पढ़ा जाता है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है, और वो किस तरह से हमारे कॉग्निटिव लेवल को, या इंडिविजुअल्स के कॉग्निटिव लेवल को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, और ये डिफाइन करता है कि जो भी लर्निंग है या डेवलपमेंट है वो एक सोशल प्रोसेस है। और ये बहुत हद तक सही भी है। सपोज करो आप एक कोई नया बिजनेसमैन है, और वहाँ पे सारे प्रोफेशनल हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो नया बिजनेसमैन है उसको हो सकता है किताबों से उतनी मदद ना मिले, लेकिन जो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं वो उसको हेल्प करेंगे अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, या जो भी उसके अंदर काबिलियत है उसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बिजनेस से रिलेटेड। और इसी तरह से अलग अलग फील्ड हो सकते हैं जहाँ पे हमारा पीयर ग्रुप, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, या सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि लर्निंग बहुत हद तक सोशल प्रोसेस है, या सोसाइटी के जरिए बहुत ज़्यादा हद तक हमारी जो कॉग्निटिव लेवल है वो इंक्रीज होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है,
तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, या आपके माइंड में जो भी एग्जाम्पल हो आप लिख सकते हो वो। तो वाइगोट्स्की भी क्या कहते थे, वाइगोट्स्की भी यही कहते थे कि पहले जो लर्निंग है वो सोशल प्रोसेस है, फिर वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे होती है। सपोज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वाइगोट्स्की के बारे में बता रहा हूँ, या हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तो क्या है, ये सोशल प्रोसेस है मेरे द्वारा आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप इसको फिर इंडिविजुअल लेवल पे अंडरस्टैंड करोगे कि जो भी बातें मेरे द्वारा बोली गई हैं, मेरे द्वारा बताई गई हैं, वो किस तरह से अप्लाई हो सकती हैं प्रैक्टिकल सेटिंग में, या आप खुद से सोचोगे कि किस तरह से मैं सोसाइटी से सीखता हूँ। तो ये बिल्कुल सही है, सोसाइटी सोशल प्रोसेस से फिर ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पे जाती है, ठीक है, और ये बहुत हद तक सही बात भी है। तो इन्होंने और क्या कहा कि जो भी हमारे माँ बाप हैं, केयर गिवर्स हैं, हमारा पीयर ग्रुप है और हमारा कल्चर है, वो हमें हेल्प करता है हाई ऑर्डर फंक्शनिंग सीखने के लिए, उच्च क्रम की कार्यविधि या कार्य पद्धति सीखने के लिए, है ना। सपोज करो आपको कोई काम नहीं आता है, तो उसमें हम अपने माँ बाप की मदद लेते हैं, अपने टीचर्स की मदद लेते हैं, या वैसे इंसान या एक्सपर्ट की मदद लेते हैं जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो वो इंसान हेल्प करता है स्कैफोल्डिंग की तरह, जिसपे आप अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हो, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, सिंपल। एक्चुअली जो भी सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल टॉपिक है ना, उनको थोड़ा प्रैक्टिकल सेटिंग में अप्लाई करने की कोशिश किया करो, और उसको उसी लेवल से उसी कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश किया करो, तब टॉपिक बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो वाइगोट्स्की और क्या कहते हैं, वाइगोट्स्की कहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है या हम हैं, अपनी बात करते हैं, हमारे अंदर क्या है, कुछ इननेट बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट है, मतलब जन्मजात से हमारे अंदर कुछ जैविक बाधाएं हैं कि कुछ पर्टिकुलर काम हम खुद से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमें वो काम दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, हेल्प करी जाती है, तो वो काम हम करने लगते हैं। तो इस क्षेत्र में कल्चर कैसे मदद करता है, कल्चर हमें प्रोवाइड करता है कुछ टूल्स जिसकी मदद से हम इंटेलेक्चुअली या बौद्धिक रूप से और ज़्यादा निपुण हो जाते हैं, और ज़्यादा हमारी लर्निंग हो जाती है, ठीक है। और इन्हीं टूल्स का यूज करके हम अपनी एबिलिटीज का यूज करते हैं और कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, या कल्चर में जो भी चीज़ें हैं उसको सीख लेते हैं। आई होप ये फंडा क्लियर हो गया होगा, है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि हमारे अंदर कुछ इननेट बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट हैं, कुछ बाधाएं हैं, हम खुद से वो काम नहीं कर सकते, तो उसमें कल्चर हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए हम उनको सीख सकते हैं या इंटेलेक्चुअली अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं टूल्स का यूज करके अपनी एबिलिटीज को यूज करते हैं और कल्चर के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब कल्चर की चीज़ें या समाज की चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या दिया इन्होंने कि एक कल्चर मानता है कि कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और एक कल्चर मानता है कि रोट लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सपोज करो ए कल्चर है, बी कल्चर है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट मेकिंग का सिद्धांत है, ठीक है, और यहाँ पे रोट लर्निंग का सिद्धांत है। तो जो भी इंडिविजुअल होगा दोनों कल्चर से, सोसाइटी से, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हद तक डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे हैं जिसने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऐसा बनने के लिए थोड़ा मजबूर कर दिया है, या अपने अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करवा लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपस में कमेंट में हेल्प करा करो एक दूसरे की, ठीक है। चलो देन आते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो जोन ऑफ या ZPD के बारे में वाइगोट्स्की ने ही बताया था, ठीक है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। तो बेसिकली ZPD है क्या, ये एक एरिया है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, अपने नज़दीकी डेवलपमेंट विकास होने का एक नज़दीक वाला क्षेत्र है, जिसमें हम दूसरे की मदद से, दूसरा यहाँ पे क्या है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कोई पीयर हो सकता है, जिसकी मदद से हम उसमें चीज़ें सीख सकते हैं, और वो चीज़ें हमें आती हैं जो कि हम खुद से नहीं कर सकते लेकिन दूसरे की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे वाइगोट्स की बात करते हैं मोर एक्सपीरियंस पर्सन की, जिसको इन्होंने कहा मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, MKO
एमकेओ कोई भी हो सकता है जिसको ज्यादा नॉलेज है, टीचर या कोई भी इंसान, ठीक है। एमकेओ मदद करेगा स्कैफोल्डिंग की तरह, सपोर्ट सिस्टम की तरह, जिसकी सपोर्ट लेके हम और ज्यादा सीख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखते हैं, सपोज करो मुझे कुछ चीजें आती हैं जो कि मैं खुद से कर सकता हूँ, व्हाट आई नो, और ये क्या है मेरा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र है जहाँ पे मैं दूसरे की मदद से ये चीजें कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मदद लूंगा अपने टीचर की, अपने पेरेंट्स की, अपने पीयर ग्रुप की या एक्सपर्ट की जिसको इस क्षेत्र में काम आता हो। सपोज आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आप ऐसे इंसान की मदद लोगे जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, तो आपका ये क्षेत्र इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और जब ये क्षेत्र इंक्रीज हो जाएगा तो आपको यहाँ की चीजें भी आने लगेंगी और ये पूरा क्षेत्र बन जाएगा या पूरा एरिया बन जाएगा व्हाट आई नो। फिर आपके बगल वाला क्षेत्र होगा जिसमें आप खुद से काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी की मदद लोगे तो वहां पे आप आगे बढ़ जाओगे, और इसी तरह से वो पूरी डेवलपमेंट होती रहती है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में इसी तरह से सीखते हैं, है ना। शिक्षा भी क्या है, एक तरह से इसी तरह से होती है, कुछ चीज़ें आती हैं लेकिन हम अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए दूसरे की मदद लेते रहते हैं, अपने टीचर्स की मदद लेते रहते हैं, और इसी ऑर्डर में हम ग्रो करते रहते हैं। चलो देन इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सोशो कल्चरल डेवलपमेंट के। तो टीचर हेल्प कर सकता है हायर स्किल या लर्निंग करने में, है ना, क्योंकि टीचर क्या है, एक्सपर्ट है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, जिसको ज़्यादा काम आते हैं। और क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग और ज़्यादा अच्छे से एनहेंस हो सकती है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब ही क्या है कि कुछ लोगों को ज़्यादा पता है, कुछ लोगों को कम पता है, तो जिसको ज़्यादा पता है वो अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, और इसको अपनी नॉलेज को एनहेंस करने में मदद मिलेगी, ठीक है। देन है हिंट्स का यूज करके, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस का यूज करके हम बच्चों की एबिलिटीज को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। हिंट का क्या काम करेगा यहाँ पे, जो भी मोर नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा दी जाएगी। ऐसे होता ना कि सर या मैम थोड़ा सा बता दो, मुझे पूरा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे हम हिंट दे सकते हैं ना, ताकि जो बच्चे के अंदर ऑलरेडी स्किल्स हैं उसको और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके। चलो देन है वाइगोट्स्की कहते हैं कि प्लेवे मेथड या लर्निंग बाय डूइंग ज़्यादा अच्छा है चीज़ें सीखने के लिए, खेलकूद में हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। देन है कॉम्प्लेक्स लर्निंग में सपोर्ट सिस्टम या स्कैफोल्डिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब सपोर्ट होता है तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीख लेते हैं, है ना। हो सकता है प्लेन उड़ाना बहुत मुश्किल हो, लेकिन सपोर्ट सिस्टम के जरिए लोग वो भी सीख लेते हैं, है ना। रॉकेट साइंस बहुत टफ है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी मदद लेके सीख लेते हैं, लेकिन उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना ज़रूरी है, जिसकी बात वाइगोट्स्की ने नहीं की, यही इनका क्रिटिसिज्म है, वो अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्रिटिसिज्म है। चलो देन ये क्या कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को और ज़्यादा एनहेंस करने में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सोशो कल्चरल थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज है। मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ें या सभी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बच्चे की लर्निंग और ज़्यादा एनहेंस हो सके। सभी चीज़ें, सभी तरह के रिसर्च क्यों हो रही हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारने के लिए ही हो रही हैं, लर्निंग को एनहेंस करने के लिए ही हो रही हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि खेल कूद के जरिए या इमेजिनेशन के जरिए बच्चों की जो कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज है या ज्ञान है, नॉलेज है, उसको और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। चलो देन आते हैं क्रिटिसिज्म पे। तो क्रिटिसिज्म इनके कुछ हैं कि जो भी ZPD था बहुत ही अनक्लियर है, इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से एक्चुअल डेवलपमेंट हो रही, किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर। ये थ्योरी ये भी नहीं बताती कि इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या है लोगों का, है ना। ये क्या करती है, बस सोशल फैक्टर्स पे ही ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, उसी पे ज़्यादा जोर देती है। ये नहीं बताती कि इंडिविजुअल के अंदर कैसे पोटेंशियल हैं, कैसी क्षमताएं हैं, उसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, जो कि बहुत कॉमन है, सभी में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जिसके बेस पे लर्निंग हैम्पर होती है, तो उसके बारे में ये कुछ नहीं बताते हैं। और इसमें क्या है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो इनका ये है कि इसमें एम्पिरिकल डाटा या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंटली करके नहीं देखा है, और यही सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जब तक एम्पिरिकल डाटा नहीं होता या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होते,
वो रिसर्च उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन ये बात सच है कि जो भी सोशल कल्चरल थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा हद तक रियल है, मतलब प्रैक्टिकल है। हम बहुत सारे काम हमें नहीं आते, लेकिन जब हमारी कोई मदद करता है या हम किसी की मदद लेते हैं, ऐसे इंसान की मदद लेते हैं जिसको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज है, तो हमें भी नॉलेज गेन करने में, नॉलेज एक्वायर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है। तो ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा हद तक प्रैक्टिकल है। इसीलिए एनवायरमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए। जैसा कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाली बात है ना, तो दोनों ही फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं इंडिविजुअली ग्रो करने के लिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।